तो हेलो गाइस, वेलकम टू हार्स फोटोग्राफी एट ब्लॉग। तो आज हम आपको मैन्युअली के कलर ग्रेडिंग करके दिखाएंगे। तो आपको मिक्सर ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको रख लेना है 23 26 लोड में, और मैक्स में आपको रख लेना है 58, और इधर आपको रख लेना है 93। तो ये सेटिंग रख लेनी है, और कंट्रोल जैसे लेयर बनाए फिल्टर में जाएँ, यहाँ पे हाई पास में जाना है। हाई पास लगाएंगे, जो ब्लर पिक्चर होती है थोड़ी बहुत फेस पे शाइन लाने के लिए हाई पास यूज़ होता है, तो हाई पास लगाया यहाँ पे। अब हम इधर जाके इसको लाइनर लेयर पे कर देंगे, सॉरी लाइनर लाइट पे कर देंगे, और इधर मर्ज कर देते हैं इसको। तो अब हम इसकी रीटचिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप रीटचिंग करते हुए हाईलाइट्स को हाईलाइट्स में मिक्स करें और शेडो को। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि कुछ भाइयों भाई के मेरे पास कमेंट आए थे, वो बोले आप हाजी न्यूटन कितना मैनुअल एडिटिंग सिखाए। तो भाई सीधा सा फंडा है कि ना, हर बंदा अब आता है प्रीसेट वगैरह लेने, हर दूसरे बंदा एडिटिंग का, तो व्यूज़ नहीं आते। इस वजह से मैं प्रीसेट वगैरह की ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि उस पर ही अच्छे व्यू आ जाते हैं। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा 100 150 आते हैं, क्योंकि बंदे ट्यूटोरियल देखते नहीं है, प्रीसेट वगैरह ही लेने आते हैं ज़्यादा। तो आप वीडियो का पूरा वॉच करें ताकि हम भी जल्दी से जल्दी मोनिटाइज हो जाएँ। और एक दो दिन में ब्लॉग भी आएगा, दूसरा ब्लॉग आएगा लाइव फ़ोटो शूट का। आप किस तरीके से देखें, आप हाई पास को मारने के बाद इस तरह से रिटचिंग कीजिएगा, हाईलाइट्स को हाईलाइट्स में मिक्स करें और शेडोज को शेडो में, ताकि पिक्चर की आपकी अच्छी रीटचिंग हो। तो आपको अभी मैं एक फ़िल्टर भी दिखाऊंगा, जिससे आप थोड़ा बहुत जगह आपकी आईज़ वगैरह के नीचे नोज़ की साइड पे रीटच होना स्मूथ होना रह जाता है, तो वहाँ पे उससे आप वन क्लिक में कर सकते हो। तो ये देखें, यहाँ पे ब्लैक है तो मैं ब्लैक को ब्लैक में, शेडोज हैं शेडोज को शेडोज में किया, या लाइटनिंग है वाइट वाइट हो रहा है तो वाइट को वाइट में मिक्स करूँगा, तो इससे आपको कलर ग्रेडिंग करने में आसानी होती है। तो आपको पूरी आज हम मैन्युअली कलर ग्रेडिंग करके दिखाएंगे। तो इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें, और शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अब वीडियो को पूरा वॉच किया करें। तो यहाँ पे देखें गर्दन पे, यहाँ पे हाईलाइट्स और शेडोज़ का बहुत ख़राब कॉम्बो हुआ है, तो हाई पास लगाने की वजह से थोड़ा बहुत सेट हो जाएगा, बाकी हम कैमरा फिल्टर से इसको सही कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने तकरीबन अच्छी खासी रिटचिंग कर ली है, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक रहता है, इसको भी हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे सेट हो गया। अगर आपको प्रीसेट वगैरह फ्री चाहिए, उसकी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं मेरे को। ये देखें, ये हो गया। अभी थोड़ा बहुत हाथ पे मैं लगाता हूँ, ये कान वगैरह की साइड से कर लेता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब आप यहाँ पे ब्रश लगाएं, हाथ पे आप लगाएं। तो आपको मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में टैटू भी फिक्स करना बताऊंगा, उसकी पीएनजी भी दूंगा फ्री, और फिक्स करना भी बताऊंगा आप कैसे हाथ पे टैटू लगा सकते हैं। और ब्रड स्टाइल पे भी हम एक ट्यूटोरियल बनाएंगे, और इसका हेयर मैंने स्किप कर दिया बनाते हुए, क्योंकि उसके उस पर भी मैं अलग से एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। और अगर आपको और ब्लॉग्स वगैरह देखने हैं तो कमेंट में बताएं। मेरा आजकल एडिटिंग सेट के ब्लॉगिंग की तरफ बहुत दिल मूड हो रहा है ब्लॉगिंग करने का। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप। ये देखें, ऐसे आप आसानी से रीटचिंग कर सकते हैं। तो पाँव पे मैंने इसलिए नहीं लगाया कि ब्लैक हो जाएगा, तो इधर से हम ये फिल्टर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये भी मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा, इससे आप जहाँ जहाँ पे आपका ब्रश नहीं लगा हुआ वहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्रश फिक्स हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, सॉरी। तो ये देखें, इसको हमने फेस पे फिक्स कर देना है, थोड़ा ओके कर देता हूँ मैं इसको। जहाँ जहाँ पे स्मूथ नहीं हुआ होगा थोड़ा बहुत रह जाता है ब्रश से, मिक्सर ब्रश टूल भी इतनी अच्छी रिटचिंग नहीं करता जितनी अच्छी ये ऑटोमेटिकली कर देता है। तो हमने कैमरा रॉ प्रीसेट खोल लिया है, कैमरा फिल्टर सॉरी, यहाँ पे
ब्लैक्स वगैरह हम थोड़े बढ़ा के चेक करते हैं, एक एक चीज़ को हिला के चेक करें, क्योंकि सेटिंग आप पे डिपेंड नहीं करती, आप सेटिंग पे डिपेंड करते हैं। क्लियरिटी वगैरह चेक करते हैं इसकी कितनी रखनी चाहिए, कलर वाइब्रेशन भी बढ़ा देते हैं जो भी है। ये देखें, ये हल्का फुल्का आप हिला के सेट करें, इसको मैं इस तरफ रख देता हूँ 2 मिनट के लिए। अब वाइटनिंग को कितना बढ़ाएं तो ज़्यादा ही हो रहा है, थोड़ा कम कर लेते हैं इसको, शेडोज़ बढ़ा देंगे हम। आप वाइटनिंग ज़्यादा नहीं बढ़ाएं क्योंकि फिर कलर ग्रेडिंग में मसला होता है, आप शेडोज़ ज़्यादा बढ़ाएँ। तो हम शेडोज़ बढ़ा देते, इधर हमने शेडोज़ बढ़ा दिया, हाइलाइट्स वगैरह हमने नहीं छेड़ा है, तो अभी हम आ जाते हैं इधर। यहाँ पे ऑरेंज और रेड याद रखें, आपको मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ, फेस का कलर होता है ये। कोई भाई भाई बोलते हैं रीटचिंग नहीं हो रही हमारे से, रीटचिंग पे ट्यूटोरियल लाओ, तो आप रीटचिंग तो कर लेते होंगे, आपसे यहाँ पे कलर ग्रेडिंग में मसला होता होगा। तो यहाँ पे आप ऑरेंज करें, ऑरेंज और रेड फेस का कलर, इसको ऑरेंज को पीछे करना होता है वाइट करने के लिए, अगर आप इसको सेट करें। रेड को इस तरफ बढ़ाना होता है, रेड को आप बढ़ाएं। अब हम इधर आ जाते हैं, इधर आके इधर थोड़ा सा रेड हम बढ़ा देते हैं, इधर से सब बढ़ाना होता है, इधर से कम करने का नहीं होता। मतलब फेस वाला जो ऑरेंज और रेड है वो पीछे ही कम ज़्यादा कम करें, इधर बस बढ़ाने का होता है। ये देखें फेस में कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई, कितना अच्छा लुक आ गया। तो अभी हम थोड़ा सा इसमें मल्टी शाइन देने के लिए इधर आ जाते हैं। ये आप देखेंगे लाजमी आप हर पिक्चर में ये रखा करें, भले आप इस टाइप की कलर ग्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, इस इधर आके आप यही रखा करें हर बार। ये हर बंदा नहीं सिखाता, जो आपको पेड ट्यूटोरियल देते हैं वो बताएंगे खाली, ये पेड ट्यूटोरियल में उसमें ना खास नहीं बताते, बस वो अपने पैसे बना लेते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते, हम आपको अच्छा वर्क सिखाते हैं, तो तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप। ये देखें हमने इसको थोड़ा सा येलो वगैरह बढ़ाया, तो यहाँ पे कितनी अच्छी कलर ग्रेडिंग हो गई पीछे। ऐसी आप इजीली कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, आप पेड ट्यूटोरियल आप किसी से नहीं लें, क्योंकि फजूल है, यूट्यूब पे हर बंदा बहुत अच्छी अच्छी एडिटिंग सिखा रहा है। तो X4X5 की आपको और ट्यूटोरियल चाहिए तो बताएं, उस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। आप कमेंट कर दिया करें कि आपको किस चीज़ पे ट्यूटोरियल चाहिए। तो ये अमाउंट हम थोड़ा सा कम करके यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं, तो ये हमने सेट कर लिया। आप हर इसका मैं इसलिए आपको नहीं बोला क्योंकि आप अपने हिसाब से रखा करें। तो ये लोड हो रहा है, जैसे ही लोड होता है तो हम दूसरे उसकी तरफ, आपको स्ट्रोक लगाना नहीं आता होगा, मैं स्ट्रोक लगाना भी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, और अगर आपको व्हाट्सएप चाहिए हो तो मेरा मैं नीचे दे दूंगा अपना नंबर, आप आ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका रेड सेट करते हैं, 2 मिनट कंट्रोल जैसे लेयर बनाए, फिर इधर सेलेक्टिव कलर टूल में आ जाएं आप, इधर से हम थोड़ा सा रेड बढ़ा लेंगे फेस पे शाइन लाने के लिए, और वैसे तो बहुत अच्छी शाइन आ गई है। हेयर बनाते हुए मैंने स्किप कर दिया था, मैंने आपको पहले भी बोला, क्योंकि मैं उस पर अलग से एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। तो ये देखें कितनी अच्छी शाइन आ गई है, तो इसको कर देते हैं हम मार्च। तो इधर से आपको कंट्रोल जे से क्लियर बना लेनी है पहले इसकी, सॉरी इधर ये आपको ये टूल सेलेक्ट करना है और इसे ऊपर लगा दें बॉर्डर पे। तो आपको यहाँ पे कंट्रोल जे से लेयर बनानी है, और साइड पे जाके डबल क्लिक करें, स्ट्रोक में आ जाएं, यहाँ पे आपको इधर ये जितनी बड़ी आपको रखनी हो स्ट्रोक, और इधर आप वाइट कर दें, ये सेंटर में रखना है ताकि सेंटर में आए, नॉर्मल में रखेंगे तो कोने में चला जाएगा, बिल्कुल बॉर्डर लग जाएंगे। तो ये देखें, तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस ट्यूटोरियल के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।